जय श्री कृष्णा, वेलकम टू राधा कृष्ण ब्लॉग। तो मैं जय श्री आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी देख रहे हैं आप कि मैं आराम से बैठी हूँ, कोई काम नहीं है हमारे खेतों में, क्योंकि अभी हमारे पास पानी ख़त्म हो चुका है और अभी धूप काल भी शुरू हो गई है। लेकिन हमारे जानवर देखो अच्छे से खा रहे और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम में यहाँ पे टाइम स्पेंड करना मेरी हॉबी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो उनको भी यहाँ पे इसको बांधा, वहाँ पे उसको बांधा, वहाँ पे उसको, दिखाओ पेड़ के छाव के नीचे। और पूरा खेत खाली, कोई कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं है। और मैल मेरे पास आ रहा है, इससे मेरे को बहुत डर लगता है। तो मैं बोली ना आपको कि मैं कहाँ लेकर जाने वाली हूँ, मौसम्बी के पौधे बगीचे में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी उसको लगी है। और ये टेस्टी भी बहुत है, हेल्दी भी है, सेहत के लिए भी अच्छी है। और इसे खाने से हम लोग भी बहुत हेल्दी और तंदुरुस्त बनते। और फ्रूट खाने का असली मज़ा कहाँ है पता है? पेड़ से निकालो और उसको खाओ ऐसे, और ऐसी जगह पे बैठ के। मैं तो हमेशा बोलती हूँ मौसम भी कौन सा भी फ्रूट हो, जूस बना के मत पीना। ये भगवान ने हमको दांत दिए है ना, उसका यूज करो, उसको काम पे लगाओ, ऐसे खाना। और कोशिश करो कि ऑर्गेनिक फ्रूट सब्जियाँ खाए, केमिकल वाले बिल्कुल भी मत खाए। जैसे कि हम लोगों ने देखो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया इसको, ये गोबर डाला है, अब ये डालना है उसको, कुछ पौधों में डाल दिया है। उधर दिखो, और ये रसीले जूसी फ्रूट खाने में बहुत अच्छे है, हेल्दी भी है। और उसके साथ ढेर सारा फाइबर जो हमारे अंदर जाता है, वो ढेर सारा कचरा बाहर निकालने में हेल्प करता है, इसीलिए आपको इसको जरूर खाना है। और मैं दिखाऊंगी हमारे बगीचे में क्या, लेकिन सबसे पहले पेट पूजा है ना।